नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी का बयान, कहा इस्लाम के नाम पर इंसानियत को लहूलुहान करता है अलकायदा। राष्ट्रपति चुनाव का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को हो रहा है खत्म। कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज कोर्बोवैक्स देने पर चर्चा करेगा एनटीएजीआई। पीएम मोदी मंगलवार देर रात तेलंगाना के जीएचएमसी के पार्षदों से की मुलाकात, कहा राज्य के लिए सुशासन खत्म करने का काम करेगी भाजपा। पैगंबर के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने दी भारत में आत्मघाती हमले की धमकी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस अफसरों के तबादले, लखनऊ व कानपुर समेत 9 जिलों के डीएम बदले गए। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया, यूपी 33 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। यूपी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सख्त निर्देश, बोले बुंदेलखंड के हर गांव हर घर में नल कनेक्शन देने का चलाए अब महाअभियान। अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले यूपी में पूरी तरह चरमराई गई प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था केवल कहने सुनने की बात। यूपी में घरेलू कोयला कटौती के चलते अगस्त में बिजली संकट गहराने की आशंका, उपभोक्ता परिषद ने खटखटाया नियामक आयोग का दरवाजा। पाकिस्तान की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी महिलाओं का विरासत और संपत्ति में अधिकार अभी बस एक सपना। रूस ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, ऊर्जा और ट्रेजेडी सचिव सहित 61 नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध। मुझे सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान सरकार, इमरान खान ने दिया बड़ा बयान। पूर्वी यूक्रेन में भीषण गोलाबारी के बीच रूस ने उतारे और सैनिक, जेलेंस्की ने कहा हम नहीं करने वाले आत्मसमर्पण। पाकिस्तान में पोलियो का प्रकोप बढ़ा, 8 नए मामले आए सामने। पहले T20 मैच में दिखा ऑस्ट्रेलिया के बल्ले और गेंद का दम, श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से ली बढ़त। इंस्टाग्राम पर छाए किंग कोहली, 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने। धोनी ने खेला बड़ा दाव, ड्रोन बनाने वाली कंपनी में लगाया अपना पैसा। सुनील गावस्कर को याद आए अपने पुराने दिन, एक खास उपलब्धि को बताया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा। श्रीलंका के खिलाड़ियों का गुस्सा, आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में लोगों की गई थी जान, संगकारा बोले ये सरकार समर्थित गुंडों का हमला। 9 जून को 7 फेरे लेंगे नयनतारा और विघ्नेश शिवन, वायरल हुआ निमंत्रण वीडियो। शाहरुख खान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने लगाए गंभीर आरोप, कहा मैंने उनकी मदद की लेकिन उन्होंने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। बॉलीवुड में कोरोना का कहर, सोनाली सहगल हुई कोविड पॉजिटिव, पोस्ट शेयर कर बोली आइसोलेशन में हूं और रिकवर कर रही हूं। रामचरण ने सेलिब्रेट किया अपने ड्राइवर का जन्मदिन, सेलिब्रेशन में एक्टर की पत्नी उपासना भी हुई शामिल।
रणवीर सारा ने करण जौहर के साथ नच पंजावर सॉन्ग पर लगाए जबरदस्त ठुमके, वरुण धवन ने यूं दिया रिएक्शन। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच